इस मूवी की मेन कैरेक्टर जेनिफर हिल्स है, जो कि एक नॉवेलिस्ट है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जेनिफर एक ब्रोकर से मिलती है। उसने अपनी बुक पे काम करने के लिए एक पीसफुल जगह पे कॉटेज रेंट पे लिया है और वो वहीं का मैप लेके निकल पड़ती है। जहाँ वो ड्राइव कर रही होती है वो जगह अपेरेंटली बहुत सुनसान है। हम उसे अब एक गैस स्टेशन पे रुकते देखते हैं, जहाँ वो अपनी कार को रिफिल करती है। वहाँ पे 3 स्ट्रेंज मैन भी होते हैं जिनकी इंटेंशंस हमें कुछ ठीक नहीं लग रही। उसे लगता है कि वो रास्ता भूल गई है, इसीलिए वो रास्ता दोबारा पूछती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि फाइनली वो उस कॉटेज पे पहुंच गई है। वो कॉटेज के अंदर जाती है और वो जगह काफी नाइसली फर्निश्ड है और जेनिफर फिर अपने सामान को अनपैक करने लगती है। एक और सीन में हम जेनिफर को लैपटॉप यूज करते हुए देखते हैं और साथ ही वो कॉल पे किसी से बात कर रही है। तभी उसे सामने वाले हट से कोई आवाज आती है और वो अपना लैपटॉप छोड़कर वहाँ देखने जाती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो वापस आ जाती है। अब हम जेनिफर को वाइन पीते हुए देखते हैं और गलती से वाइन उसके ऊपर गिर जाती है, इसीलिए वो अपना ड्रेस उतार के उसे वॉश कर रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि जेनिफर को कोई रिकॉर्ड कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जेनिफर को वॉक करते हुए देखते हैं और वहीं उसको एक अबैंडन्ड घर नजर आता है। वो उस घर में जाके देखती है तो वहाँ सिर्फ एक फटा हुआ काउच होता है और कुछ टूल्स होते हैं। खैर, अब जेनिफर घर आ जाती है और टैप को यूज करने लगती है, लेकिन टैप से गंदा पानी आ रहा होता है। फिर जेनिफर का फोन भी सिंक में गिरकर खराब हो जाता है। जेनिफर वहीं के एक प्लम्बर को बुलाती है जिसका नाम मैथ्यू है। मैथ्यू जब टैप ठीक कर देता है तो जेनिफर उसे खुशी से किस कर लेती है और फिर मैथ्यू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में अब हम वही 3 मैन जॉनी, एंडी और स्टैनले को देखते हैं, जो कि गैस स्टेशन पे थे। वो बैठे बात कर रहे होते हैं और स्टैनले के हाथ में वही कैमरा होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस रात जेनिफर को रिकॉर्ड किया जा रहा था वो एक्चुअली यही 3 कर रहे थे। तभी वहाँ मैथ्यू भी आ जाता है, जो कि उन्हें बताता है कि जेनिफर ने उसे किस किया है। उसकी बातों को सुन के ये अंदाजा होता है कि वो जेनिफर को लेके अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते और वो उसके वहाँ होने का एडवांटेज लेना चाहते हैं। और फिर वो सब वही सेम जेनिफर की वीडियो देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन रात का है, जब हम देखते हैं कि सामने वाले कॉटेज का डोर बजने लगता है, जिसे जेनिफर बंद करने जाती है कि तभी वो 4 उसके घर में आ जाते हैं। जेनिफर फिर जब वापस आती है तो वो सब जेनिफर के गेट खड़े हो जाते हैं और स्टैनले जेनिफर को कॉन्टिन्यूसली शूट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब जेनिफर को बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। जॉनी जेनिफर को जबरदस्ती ड्रिंक करने को कहता है और फिर वो जेनिफर के आगे के दांत तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं करता। इस सब में जेनिफर बहुत हेल्पलेस लग रही है और उनमें से कोई भी मर्सी शो नहीं कर रहा। फिर जॉनी जेनिफर से गन पॉइंट पे गन सक करवाता है, जिससे उसकी इंटेंशंस क्लियर नजर आ रही हैं और इस सब को स्टैनले फ्रॉम द स्टार्ट रिकॉर्ड कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जेनिफर किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो भाग ही रही होती है कि तभी वो एक मैन से टकराती है जिसका नेम शेरिफ स्टॉर्च है। वो अपेरेंटली एक कॉप है, तो जेनिफर उसे सब बता देती है। शेरिफ फिर जेनिफर को लेके वहीं जाता है ताकि इस मैटर को देख सके। वहाँ पहुँचते ही शेरिफ किसी को कॉल करके बुलाता है। फिर शेरिफ जेनिफर से कहता है कि उसे इस बात की ऑथेंटिसिटी का जानने के लिए उसकी बॉडी को एग्जामिन करना होगा। फिर शेरिफ जेनिफर की बॉडी को अनकंफर्टेबल वेज में टच करने लगता है। तभी वहाँ वो 4 आ जाते हैं और हमें ये अंदाजा होता है कि शेरिफ ने घर आते ही इनको कॉल की थी। इस सब से ये पता चलता है कि शेरिफ भी इन सब के साथ मिला हुआ है। अब वो सब जेनिफर का एडवांटेज लेते हैं और मैथ्यू जेनिफर को रेप करता है। फिर वो जेनिफर को जाने देते हैं और हम जेनिफर को नेकेड जंगल में चलते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ ये सब दोबारा आ जाते हैं और एंडी जेनिफर के फेस को पानी में डालकर कॉन्टिन्यूसली टॉर्चर करता है। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर को मैथ्यू के अलावा सब रेप करते हैं और इस सब के बाद जेनिफर उनके सामने ही पानी में
जंप कर देती है। इससे ये सब सोचते हैं कि जेनिफर मर गई है और वो सारे एविडेंसेस को जला देते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन शेरिफ का देखते हैं। वो अपने घर में है और घर में उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और एक डॉटर है और देखने में शेरिफ अपनी फैमिली के साथ बहुत अफेक्शनेट है। दूसरी तरफ हम बाकियों को देखते हैं। अब काफी दिन उस इंसिडेंट को गुजर चुके होते हैं और उन सबको डाउट्स हैं कि शायद जेनिफर अभी भी जिंदा है क्योंकि उन्हें जेनिफर की बॉडी पानी में नहीं मिली थी। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि काफी डिप्रेस्ड लग रहा है और उसे ऐसे लग रहा है कि जैसे जेनिफर उसे हॉन्ट कर रही है। तभी मैथ्यू को कोई वहां से उठा लेता है। फिर हम स्टैनले को देखते हैं जो जॉनी को आके बताता है कि उन्होंने कैमरे में रेप की वीडियो को डिस्ट्रॉय नहीं किया था और अब वो कैमरा भी नहीं मिल रहा। ये सुनकर जॉनी बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हम जॉनी के घर का सीन देखते हैं। किसी ने एक डेड बर्ड और जेनिफर की स्लिपर को उसके घर के बाहर फेंका है। ये देखकर जॉनी काफी डरा हुआ नजर आता है। फिर हम शेरिफ का सीन देखते हैं जिसके घर पे किसी ने वही रेप टेप भेजी है और वो उसकी वाइफ के हाथ में है। वो अपनी वाइफ से टेप लेके गुस्से में उनके पास पहुंचता है और वो टेप स्टैनले के मुंह में डाल देता है। अभी तक तो हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब जेनिफर ही कर रही है, लेकिन उन्हें मैथ्यू पर भी डाउट्स हैं क्योंकि वो पहले से ही काफी डिप्रेस था। फिर वो मैथ्यू को ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नजर नहीं आता। इस सब में शेरिफ उस ब्रोकर को भी मार देता है क्योंकि उनके अलावा सिर्फ वो ही जानता था कि जेनिफर वहाँ आई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर और मैथ्यू को देखते हैं। जेनिफर उसे स्ट्रैंगल कर रही होती है और उसके अंदर मैथ्यू के लिए नफरत भरी होती है। वो उसको बहुत पेनफुल डेथ देना चाहती है। फिर हम एंडी और स्टैनले को देखते हैं जो कि मैथ्यू को ढूंढ रहे हैं और वहीं पे उन्हें एक म्यूजिक सुनाई देता है और वो उसे फॉलो करते हैं। तब स्टैनले का पांव एक ट्रैप में फंस जाता है और वो अपने सामने जेनिफर को देखता है। स्टैनले को पेन हो रहा होता है और वो एंडी को बुलाता है। एंडी जब वहाँ आता है तो जेनिफर उसको बैट से स्ट्राइक करके बेहोश कर देती है और फिर वो स्टैनले को भी हेड पर जोर से हिट करती है। फिर वो एंडी को सेम हाउस में ले जाती है जो उसने जंगल में देखा था। एंडी जब अपनी सेंसेस में आता है तो वो अपने आप को एक बाथटब में बंधा हुआ पाता है और तभी बाथटब में पानी आने लग जाता है। दूसरी तरफ हम स्टैनले को देखते हैं जिसे जेनिफर ने एक ट्री से टाई किया हुआ है। जेनिफर भी स्टैनले को सेम मैनर में रिकॉर्ड कर रही है और इस सब से हम अंदाजा कर सकते हैं कि जेनिफर उससे रिवेंज ले रही है। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर स्टैनले के मुंह में एक डेड माउस डाल देती है और उसकी आईलेट्स में फिश टैकल्स को डाल के ट्री के साथ बांध देती है। फिर जेनिफर उसके ऊपर फिश के पीसेस डाल देती है ताकि सब चील कौवे आकर उसे खा सकें। अब जेनिफर को हम एंडी के पास देखते हैं। वो बाथटब में पानी से लोडेड था। एंडी जेनिफर से उसे छोड़ देने के लिए प्लीट कर रहा था, जिस पर जेनिफर कहती है कि उन्होंने भी उसके कहने पर उस पे मर्सी नहीं की थी तो वो भी नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर बाथटब में एक पाउडर डालती है और एंडी का बैलेंस खराब करने के लिए उसके नीचे से एक वुड लॉक निकाल देती है। उसका जब बैलेंस खराब होता है तो उसका फेस उस पानी से जलने लग जाता है जैसे कि एसिड उसके फेस पे हो। दूसरी तरफ स्टैनले को भी क्रोस ने आकर बुरी तरह से डिसफिगर कर दिया था। इस तरह स्टैनले और एंडी दोनों टॉर्चर होकर मर गए। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर ड्रेसअप होके गैस स्टेशन पे है और वहाँ जैसे ही जॉनी आता है वो उसे हिट करके बेहोश कर देती है। अब हम जॉनी को नेकेड और टाइड अप देखते हैं और वहाँ जेनिफर जॉनी के दांत निकालने का कहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके साथ किया गया था, और उसके सब दांत पूरी तरह से निकाल देती है। फिर वो जॉनी का जेनिटल काट के उसके मुंह में डाल देती है जिसके बाद जॉनी की पेन से डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को शेरिफ के घर में देखते हैं। वो वहाँ शेरिफ की डॉटर की ट्यूटर बन के आई है कि तभी वो उनके मोबाइल से शेरिफ से बात करती है। जब तक शेरिफ घर आता है तब तक जेनिफर उसकी डॉटर के साथ जा चुकी थी। शेरिफ उसे ढूंढता है और हम देखते हैं जैसे ही शेरिफ कार में आता है जेनिफर उसको हिट करके बेहोश कर देती है। जब शेरिफ सेंसेस में वापस आता है तो वो टाइड अप होता है और उसके पीछे ही गन रखी होती है। फिर जेनिफर वहीं पे मैथ्यू को लाती है और वो एक रोप को गन के साथ टाई करती है और उस रोप का एक एंड मैथ्यू के हाथ के साथ टाई कर देती है ताकि मैथ्यू जैसे ही सेंसेस में आए तो वो अपना हाथ मूव करे और गन का ट्रिगर चल जाए, जिससे गन फायर होते ही वो बुलेट शेरिफ के थ्रू मैथ्यू को लगेगी। इस सब के बाद
जेनिफर बाहर आके बैठ जाती है और तभी गनशॉट की आवाज आती है, जिसका मतलब है कि वो बुलेट दोनों को लग चुकी है और वहीं पे मूवी एंड हो जाती है।